पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जयपुर के जमारामगढ़ में विधायक जगदीश नारायण मीणा ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान ताला ग्राम पंचायत की विजाका की झाड़ी के बाशिंदों ने एक बार फिर ढाड़ी जाने वाले आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई है। इस पर विधायक मीणा ने जम्वा रामगढ़ एसडीएम को मौके पर दूरभाष से विजागा की झाड़ी के आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने को लेकर बढ़ती जा रही ढलाई को लेकर खासी नाराजगी जताई और उन्होंने 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विधायक के निर्देशों के बाद एसडीएम जम्वा रामगढ़ ने पहले 25 अगस्त तक व उसके बाद 31 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था। इस मौके पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गाँव वाले मौजूद थे। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति की स्थानीय ग्राम पंचायत के राजासनी गांव को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रोशन करने का बीड़ा उठाया गया। राजासनी गांव में 18 रोड लाइटें, एक बड़ी लाइट लगाने का कार्य शनिवार को शुरू हो गया है। चौपास्ती चारडान के सरपंच जयनारायण गहलोत ने बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपने अधीन आने वाले गाँव को रोशन करने के लिए विभिन्न जगह पर 18 रोड लाइटें लगाने के पिलर बनाने का काम शुरू किया। महादेव मंदिर के त्राहे के पास बड़ी रोड लाइट भी लगाई जाएगी। जेडीए द्वारा रोशन होने वाला राजासनी पहला गांव होगा। जोधपुर की बिलाड़ा पंचायत समिति में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें परमेश्वर प्रजापति को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, संस्थापक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ने प्रजापति को प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। साथ ही नगर के ही शिक्षाविद व्याख्याता गोपी किशन रावल को जोधपुर का संभागीय मंत्री मनोनीत किया गया। दोनों ही पदाधिकारियों का संगठन द्वारा स्वागत किया गया। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में खेली जा रही मुस्लिम प्रीमियर लीग 2016 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन लोहावत प्रधान भागीरथ बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बेनीवाल ने कहा, खेल को खेल की भावना से खेलने से आपसी भाईचारा एवं प्रेम भाव की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी खेल जरूरी है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है, जिससे बढ़ाना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पंचायत ओसिया के सरपंच श्यामलाल ओझा ने कहा, गाँव में ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से ही निकलकर आगे जिला राज्य स्तर तक खिलाड़ी पहुंचते हैं। किसान नेता जसाराम जाड़ी ने कहा, खेल आपसी मेलजोल का भी एक माध्यम है। समापन समारोह को भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष जगराम बिश्नोई, मंडल अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सोनी, करण सिंह गुंदाड़ा ने संबोधित किया। उदयपुर के कोटरा के जूनापादर गांव में हुए जमीनी विवाद पर गोलीबारी के मामले में तीसरे दिन भी तनाव बरकरार रहा। पूरा दिन चली वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बनने से शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। सुबह से ही मृतक पक्ष के लोग गांधी शरणा गांव में जमा हुआ और मौताना की मांग एवं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पूरा दिन तनाव की स्थिति के बीच मृतक झाल मृतक के परिजन मुआवजा देने पर शव उठाने को राजी हो गए, लेकिन दूसरा पक्ष पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। इसी उतार चढ़ाव के बाद रात होने पर दोनों पक्ष वहां से रवाना हुए। शव अभी सीएससी में रखा हुआ है। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव पंचायत जैसर की नौजीवी में किसान नेता हीरालाल चौधरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को बचाने के लिए खेतीबाड़ी को बचाना जरूरी है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर के घमुड़वाली थाने के थानाधिकारी गुकर सिंह पुलिस विभाग की ओर से 10 बार सम्मानित हो चुके हैं, जो अपने अपने में एक जिले के लिए सम्मान की बात है। गौरतलब है कि पुलिस विभाग द्वारा जब जब उत्कृष्ट कार्य करने वालों की सूची जारी की जाती है, तो घमुड़वाली थाने में तैनात पुलिसकर्मी व थानाधिकारी का नाम सुर्खियों में रहता है। आपको बता दें कि घमुड़वाली थाने का क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है, जिसमें करीब 78 गांव आते हैं, जिनमें अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाकर आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को कायम रखना चुनौती से कम नहीं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाड़ी ग्राम के जीएसएस की बैठक में लाभांश का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत बाड़ी में जीएसएस की बैठक समिति अध्यक्ष उत्तम चंद जाट की अध्यक्षता में हुई। व्यवस्थापक ने बताया कि 26 लाख का लाभांश समिति के सदस्यों को 9% की दर से करीब 4 लाख रुपए दिए गए। कार्यरत कर्मचारी एवं व्यवस्थापक की सदस्यों ने प्रशंसा की। चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला कस्बे में आवारा गाय किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी है। गाय खेतों की भारी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं आवारा पशुओं को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र में विधायक अर्जुनलाल जी नगर ने सांप को 20 सड़क से अपने हाथों से उठाकर खेत में छोड़ा। विधायक करजाली गांव की समस्या संबंधी चर्चा कर कपासिन की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में 20 सड़क पर सांप पड़ा हुआ दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से ईद उल जुहा का पर्व 13 सितंबर को मनाया जाएगा। रजाई अमन कमेटी ने बताया कि शुक्रवार को बैठक हजरत अलामा मोहम्मद मुख्तार आलम मौलाना की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में बताया कि 13 सितंबर को सुबह 8 बजे सभी मुस्लिम भाई मस्जिद में इकट्ठा होकर मस्जिद से पेश इमाम की अगुवाई में ईदगाह पहुंचेगा। बिरज नदी किनारे ईदगाह पर ईद की मुख्य सामूहिक नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के आकोला में भारतेंदु हरिश्चंद जयंती पर भारतेंदु समिति द्वारा 9 सितंबर 2016 को कोटा में आयोजित भव्य समारोह में प्रसिद्ध समाजसेवी राजकुमार जैन राजन साहित्यश्री सम्मान से नवाजा गया। पाली के सुमेरपुर कस्बे में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के निर्देश अनुसार शीतला चौक स्थित नरसाजी कुमावत वाली गली में अवैध रूप से किए गए निर्माण को पालिका के कर्मचारियों द्वारा हटाया गया। पालिका निरीक्षक यशवंत परिहार ने बताया कि विनोद कुमार माली द्वारा अवैध रूप से बिल्डिंग लाइन से बाहर लोहे की अवैध नाल लगा रखी थी। 12 के अंत में निकलने वाले डोल 11 पर्व जुलूस की तैयारियां जोरों पर हैं। कस्बे के मुख्य मार्गों पर दर्जनों स्वागत द्वार सजाए जा रहे हैं। लगभग 2 दर्जन देव विमानों के साथ यहां अखाड़े भी निकलते हैं। बूंदी के केशवापाटन में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर एसपी ने शांति समिति की बैठक ली। बैठक में दोनों समुदायों ने त्योहारों को सद्भावना से मनाने का निर्णय लिया। चौक के उनियारा शहर में जगह जगह गंदगी का आलम पसरा पड़ा है। कस्बे के बस स्टैंड सरदार सर्किल के पास नियमित रूप से सफाई नहीं होती। नगर पालिका प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा है। दौसा के महवा में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने मंडावा सरपंच के खिलाफ थाने में अवैध खनन कराए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वन अधिकारी ईश्वर लाल ने थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि सड़क निर्माण के लिए सरपंच कुसुमलता ने वन क्षेत्र के पहाड़ में जेसीबी से अवैध खनन करवाया। जालौर के आहोर में हरजी कुआडा सड़क मार्ग खस्ताहाल होने से बारिश के मौसम में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जालौर के रानीवाड़ा के अजूदर गांव में क्रैविक्रस सोसाइटी बंद होने से किसानों को खाद व बीज के लिए रानीवाड़ा जाना पड़ता है। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में कई उपभोक्ताओं को बिना ISI मार्का के रेगुलेटर थमा दिए जाते हैं, जिससे हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। जालौर के जसवंतपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसीन में जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन आज होगा, जिसके चलते कई लोगों ने इसमें भाग लिया। करौली के चोड़ा भीम में सट्टा खेलते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2550 रुपए बरामद किए। CI राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में धरपकड़ अभियान चल रहा है। अलवर के रामगढ़ में बगर राजपूत गांव में खेतों में अवैध रूप से हो रहे बजरी दोहन के चलते 65 फीट की गहराई से बजरी निकाली जा रही है, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली गोरख धंधे में लगी हुई है और पुलिस व प्रशासन बजरी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के राशमी में भीमगढ़ में तेजाजी का मेले का आगाज आज से शुरू हो गया। मेले में डोला चक्री व मणिहारी दुकानें सजी हुई हैं। मेले में तेजाजी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया। वीर तेजा नवयुवक मंडल के महावीर वैष्णव ने बताया कि आयोजन वीर तेजा मेला कमेटी की ओर से मेलार्थियों व दुकानदारों के लिए पानी बिजली दुकानों के प्लॉट की निःशुल्क व्यवस्थाएं रहेंगी। मेले में दिन में गवरी नृत्य व रात को तेजाजी महाराज के खेल का मंचन किया जाएगा। अंतिम दिन न्यू म्यूजिकल ग्रुप उदयपुर द्वारा ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं दशमी को वीर तेजाजी का विशाल जुलूस निकलेगा। अलवर के रामगढ़ कस्बे में जातपुर बड़ा गांव नेतला का नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। रूपारेल नदी पर बने पुल पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में 61वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्रा खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में बालक वर्ग में प्रथम हीरा जी का खेल, द्वितीय हिंगवानिया और मानसिंह जी का खेड़ा रहे। सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में हीरा जी का खेड़ा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोपाल बावरी को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अनिता जाट को घोषित होने पर गांव में लौटने पर स्थानीय विद्यालय छात्र छात्राओं व अभिभावकों व ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बाड़मेर के चौटन में विद्युत लाइन जांचने और अवैध कनेक्शन की VCR बनाने पर अभियंता के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जिसके चलते सेड़वा पुलिस ने अभियंता की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। बाड़मेर के बचपदरा कस्बे के नेशनल हाईवे 112 पर स्थित खेमा बाबा का मंदिर में एक शाम खेमा बाबा के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन कलाकार दलीचंद जी नगर ने गणपति वंदना से भजनों की प्रस्तुति दी। झालावाड़ जिले के डक थाने में विवाहिता के साथ छेड़छाड़ का नामजद मामला दर्ज हुआ। विवाहिता ने आरोप लगाया, आरोपी ने रात्रि में घर में घुसकर छेड़छाड़ की। झालावाड़ के डग में विधायक RC सुनारीवाल ने गंगधार के सेकला गांव में 15 दिन पूर्व हुए बस हादसे में मृतक किशोर की पत्नी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50,000 का चेक दिया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पंचायत एवं तहसील प्रशासन ने विरोध के बीच आबादी व चारागाह भूमि पर बने अवैध निर्माण ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।